वसुधाया खिलाया यदि हृदय हार चढ़ता होता तुम नयनियो रहनम तेरी जिंदगी चतुरी प्रभु ठाकुर जी के स्वागत करके अपने भक्तों के रूप में अपने दुख तलाश कर रहे थे में बैठ गया क्या क्षण हो रही है कही कह रहे हैं हृदय में ये श्री जी की प्रसादी ये लाडली जो की प्रसादी तू नहीं आपको उड़ा रहे हैं श्री चंद्र के बच्चे श्री चंद्र हमारे यहाँ सेवक जी महाराज रस के आचार्य सिद्धांत हुए है तो उन्होंने कहा है कि नाम प्रसंग कहे तो उपदेश जहाँ या धर्म धन्य सो देश धन्य सो कुल जे जन्म भयो धन्य सो तात धन्य सो माए संतत सकल सुनो चितलाए श्री हरिवंश प्रताप जो भगवान नाम हरि नाम का उच्चारण करने वाले बालक हैं वो जिस कुल में पैदा हुए जिस देश में पैदा हुए उस देश को उस कुल को धन्य है वो माता पिता धन्य है वो परिवार के जन धन्य है जहाँ भगवान का बालक तो हमें आपकी स्तुति करने का मन हुआ कि जब राजेंद्र दास जैसे महापुरुष आपके हाँ पुत्र होने का सौभाग्य आपको दिया सब जानते हैं इसके मूल में वह गुरुजन धन है जिन्होंने इस योग बनाया हम सब तो क्या बनाते हम सब तो पटवारी बनवाते मास्टर बनाते चपरासी बनाते क्या बनवाते कुछ नहीं बनाते इसके मूल में आप सबकी कृपा कर इस समय हमारे सनातन धर्म में पूज्य श्री राजेंद्र दास जी धर्म ध्वजा है अगर वाणी प्रमाण देखनी है तो एक भी शब्द की कोई मिस्टेक नहीं शास्त्र का कहीं भी किसी भी तरह से विधान का एक भी शब्द का उलट फेर नहीं स्वयं में साधुता और शास्त्र सिद्धांत के वचन बिरला ही कोई ऐसा बोलने वाला होता है बिरला ही क्योंकि स्वयं में साधु और साधु से भी रहे और संत गुरुजनों की कृपा से उनकी एक एक शब्द शास्त्र प्रमाणित किसी भी शब्द पर कोई अंगुली उठा दे क्योंकि तस्मात शास्त्रम प्रमाणम शास्त्र प्रमाण से एक अक्षर भी महाराज जी इधर उधर नहीं बोलते और ऐसा महापुरुष जिनका पुत्र बना उनके पिता को तो कोटिशाह बार बार प्रणाम करते कि धन्य है वो तात सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत पूरा जगत का पूजनीय कुल हो जाता है जिसमें भगवान का महाभागवत प्रकट होता है तो हमें जब सुने तो हमें अत्यंत आनंद हुआ कि भगवान के प्रेमी महापुरुषों का जहाँ प्रादुर्भाव होता है वो किसी धाम या तीर्थ से कम नहीं है उनका घर वो परम धाम है एक बार भगवान शिव माता भगवती के साथ विहरण कर रहे थे तो उन्होंने एक गाँव की तरफ करके प्रणाम किया तो कहा प्रभु ये कौन सा भगवत धाम है बोले यहाँ 1000 वर्ष बाद भगवान का भक्त पैदा होगा इसलिए ये सामने जो नगर दिखाई दे रहा है ये महापावन है क्योंकि इसमें भगवान के भक्त का जन्म होगा सोचो जहाँ जन्म होना है वहाँ भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी महाभागवत हैं इन्हीं के द्वारा हमारे जगत का मंगल होता है ये साक्षात भगवान ही हरिदासत्व का रूप धारण किए हुए विराजमान संत और भगवंत में किंचन मात्र भी अंतर नहीं वो और उनके जन अभेद हैं धन्य है वो माता पिता धन्य है उनका गृहस्थ जिनके यहाँ भगवान का ऐसा कोई महाभागवत प्रकट हो जाए जो जगत मंगल कारण का मूल है अगर ये संत महात्मा भगवत प्रेमी जन ना हो इनके नाम जप का प्रभाव ना चाहे तो हमारी दुष्कृति हमारा नाश कर दे जो हमारी दुष्कृति है वो दुष्कृति करते हुए भी चैन से जो जगत में जी रहे हैं उसका मूल कारण है इन महाभागवतों का इस भूमंडल पर विराजमान रहना जिस दिन इस भूमंडल से महाभागवत अंतर ध्यान हो जाएंगे उस दिन देख लेना इस संसार में क्या होगा धीरे धीरे जो भजन करने वाले महापुरुषों का हमारे समाज में बहुत ही टोटा पड़ रहा है अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं और नवीन पीढ़ी में कोई बिरला ही ऐसा जो शास्त्र सम्मत उपासना करके केवल लक्ष्य उसका भगवत प्राप्ति भगवत प्रसन्नता ऐसा बिरला कोई जो पूर्व के हमारे गुरुजन महापुरुष कैसे मधुकरी के टुकड़े खाकर रात दिन भजन करके उस महान परम तत्व का बोध प्राप्त किया उनसे प्रेम प्राप्त किया उन्हीं के बल से हम लोगों का जीवन है उन्हीं का भजन हमारी रक्षा कर रहा है उन्हीं की चिंतन वृत्ति आज हमें सुरक्षित रखे हुए व्यक्त अव्यक्त जितने भी भागवतिक महापुरुष हैं वो अपने निज जनों की रक्षा करते हैं हम लोग जो आज चैन से भजन कर पा रहे हैं ये उन महापुरुषों का कृपा कवच है इन संसार के महापुरुषों के जितने भी जहां विराजमान ये अंतर ध्यान हो गए तो जो दुष्कृति फैल रही
वो घोर अशांति पैदा कर देंगे। आज दुष्कृति होती हुई भी जो अशांति नहीं हो पा रही इस कोटि की कि सर्वनाश कर दे, उसका कारण ये मूल महाभागवत जन है जो निरंतर प्रभु के आश्रित होकर भजन करते हैं। उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु से जगत मंगल होता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात् सतरति सतरति स लोकांतारयति, ये सामर्थ्य तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जिनके मुख में हरि नाम है, हृदय में युगल सरकार विराजमान है, वो जहाँ चरण रख दें तीर्थों को भी तीर्थत्व तो प्राप्त कराने की सामर्थ्य उनमें है। इसलिए धन्य है वो कुल जिनमें भगवान के महाभागवतों का प्रादुर्भाव होता है। आप सबकी कृपा करुणा सद्भावना ये सब प्रकट कर रही है, आप सबका ही वैभव विलास है। हम सब संसारी जीवों का हमारा कोई सरकार नहीं, सरकार सत्य कह रहा हूँ। हाँ इतनी बात जरूर है, ओरछा मंडल का रहने वाला हूँ और हमारे पूर्वज ओरछा में लाए गए थे और जिस गांव में मोहनगढ़ के पास में गांव है, हमारे जिले की उपासना जो है व्यास जी की कृपा से हमारे परिवार की कुल की उपासना अलग की गई। राजा भक्त वाली जी का पर कुल के हमारे देवता हमारे ठाकुर जी पुराने पूर्वजों के और इसलिए तेउ उमग तजत मर्जादा एकदम सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं, सत्य है। और किशोर जी के राधा तत्व का वर्णन करने में कोई पुराण उपनिषद कोई समर्थन नहीं, कहीं कोई किस इस संबंध में सब संबंध में सब कुछ कर सकता है, पर यह केवल अनुभव करने की बात है। राधेश्वरी वृंदावनेश्वरी और ठाकुर जी की भी ईश्वरी राधा राम है और उनका ही गुण आप सबका वात्सल्य रस उदारता यह सब हम सब संसार के जीवों को प्राप्त हो रहा है, यह अमृत प्राप्त हो रहा है। सरकार बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। और जितने भी ये अभिशाप है नए यंत्र, इनका कल्याण हो रहा है, उद्धार हो रहा है। हम तो बार बार अभी से चिल्ला रहे हैं कि भैया जल्दी जल्दी हम नहीं आ पाते, पर हमको सुनना है टीवी लगवा दो, हमें इसलिए टीवी चाहिए कि आपकी वाणी सुन, हमें और कुछ नहीं करना है, केवल इतने के लिए कि आज सुलभ हो रहा है, विज्ञान का सदुपयोग करते हैं। हम यह नुकसान नहीं चाहते कि आपका मंगलमय वचन सुन सके, अगर किसी साधन से मिल रहा है आपकी कृपा से यह सब बातें कहने सुनने अनुभव करने की योग्यता प्राप्त हो रही है, सच्ची बात है। और यह सब आपका कार्य सहज है, स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान प्रयत्न पूर्वक प्रकाश नहीं करते, उनके तो सहज भ्रमण से प्रकाश होता है, आपका स्वरूप ही यही है। सरकार भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव श्री जी की इस करुणा कृपा को प्रकट करने के लिए हुआ है और सुखदेव जी महाराज ने की कृपा करुणा का संदेश देते हैं। और आयु प्रमाण शास्त्र प्रमाण की बात है तो यह शास्त्र प्रमाण की बात हमने सुना है आपको, आपके वचनों में भी एकदम हमारे शास्त्र कम नहीं है, सब सब जूठन है, व्यासों सिस्टम जगत शर्मा व्यास तो है ही, पर सत्य बताएं हमारा कल्याण तो प्रहलाद जी ने शिक्षा दी है, तुम्हारे की बात है सरकार, बड़ा उपकार हो रहा है, बड़ा उपकार हो रहा है। वृंदावन का यही स्वरूप है, यही हमारे आचार्यों का स्वरूप है और बड़ा सुख हो रहा है सरकार। तुम जाओ कोई गाड़ी की व्यवस्था करो। हाँ गाड़ी से।